विंटर वाले मटर को आप पूरे साल के लिए घर पे ही प्रिजर्व कर सकते हैं। इसका कलर बिल्कुल ऐसे ही रहेगा एंड इसपे कोई रिंकल्स भी नहीं आएंगे। पहले पानी उबालना है, इसमें डालेंगे नमक और चीनी। मटर को इसमें हम ब्लांच करेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए और उसके बाद इसे डालना है बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर में। नेक्स्ट स्टेप काफी इम्पोर्टेंट है और ज्यादातर लोग उसे मिस कर देते हैं। इन मटर को हमें अच्छे से पहले सुखाना है। फ्रीज करते टाइम पे मटर गीला नहीं होना चाहिए, इससे इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। जिपलॉक बैग्स में इसे ट्रांसफर कर लें। इस पे डेट जरूर लिखिए, साल भर तक इसे यूज करें एंड एंजॉय।